हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के एलडी क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 25 जीके जीएस के क्वेश्चन, जो लगभग रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, लेखपाल, जेल वार्डन, फायरमैन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन था, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है दोस्तों? तो कहाँ पर है दोस्तों, तो ये है हमारा मथुरा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कहाँ पे दोस्तों? मथुरा में दोस्तों। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कब की थी दोस्तों? दोस्तों यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। और कब की थी दोस्तों? तो 1901 ईस्वी, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही शांति निकेतन की स्थापना की थी, वो भी 1901 ईस्वी में दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों, भारत में जूट का उत्पादन सर्वाधिक किस प्रदेश में होता है दोस्तों? भारत में जूट का उत्पादन सर्वाधिक किस प्रदेश में होता है दोस्तों? तो ये होता है हमारा पश्चिम बंगाल। कहाँ पे दोस्तों? पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला दोस्तों, सोना को आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है दोस्तों? सोना को आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है दोस्तों? तो आपके ऑप्शन है जस्ता, तांबा, एल्यूमिनियम और कॉपर। तो कौन सा है दोस्तों? तो हो जाएगा हमारा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी तांबा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों, भारत के तटीय भाग की लंबाई कितनी किलोमीटर है दोस्तों? भारत के तटीय भाग की लंबाई कितनी किलोमीटर है दोस्तों? तो हमारे ऑप्शन है 7516 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर, 10000 किलोमीटर और 5000 किलोमीटर। तो दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 7516 किलोमीटर, यानी 7516 किलोमीटर है दोस्तों, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, सबसे अधिक सघन जनसंख्या वाला देश कौन सा है दोस्तों? सबसे अधिक सघन जनसंख्या वाला देश कौन सा है दोस्तों? तो आपके ऑप्शन है चीन, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोस्तों। तो दोस्तों ये पूछा है सघन देश, तो सघन देश के दृष्टिकोण से हमारा है ऑप्शन सी, यानी बांग्लादेश हो जाएगा दोस्तों। अगर ये पूछता सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है दोस्तों, तो हमारा हो जाता चीन हो जाता, और दूसरे नंबर पर दोस्तों भारत हो जाता दोस्तों। लेकिन इसने पूछा है कि सघन जनसंख्या वाला देश कौन सा दोस्तों, तो हमारा हो जाएगा बांग्लादेश, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों? तो विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर का मेला। सोनपुर कहाँ पे दोस्तों? ये हमारा बिहार राज्य में दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी बिहार, सोनपुर बिहार में दोस्तों। तो राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद का मामला का निपटारा कौन करता है दोस्तों? तो हमारे ऑप्शन है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग। तो दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अगर कोई मामला होता है तो ये करती है हमारी सुप्रीम कोर्ट, करती है कौन दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो राष्ट्रपति के चुनाव विवाद का निपटारा जो सुप्रीम कोर्ट करती है, ये कितने आर्टिकल नंबर में लिखा गया दोस्तों? आर्टिकल नंबर कितने में लिखा गया दोस्तों? अगला क्वेश्चन, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों हमारे ऑप्शन है अमर उजाला, दैनिक जागरण, बंगाल गजट और टाइम ऑफ इंडिया। तो कौन सा है दोस्तों? तो है हमारे ऑप्शन सी, यानी बंगाल गजट दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बंगाल गजट जब ये कब कितने सन में प्रकाशित हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो हमारे ऑप्शन है 1919, 1925, 1945 और 1983 दोस्तों। दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1925। लाहौर का किला किसने बनवाया था दोस्तों? लाहौर का किला किसने बनवाया था दोस्तों? तो हमारे ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, बाबर और हुमायूं। तो किसने बनाया था दोस्तों? तो ये बनाया था दोस्तों हमारे अकबर ने, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन बी, यानी अकबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? वन महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो हमारे ऑप्शन है 1958, 1960, 1950 और 1998।
तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा दोस्तों 1960, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों मदर टेरेसा विश्वविद्यालय किस राज्य में है दोस्तों, ये मदर टेरेसा विश्वविद्यालय किस राज्य में है दोस्तों, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और गुजरात। तो कहाँ पे है दोस्तों मदर टेरेसा विश्वविद्यालय, कहाँ पे दोस्तों, तो ये हमारा तमिलनाडु, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर दोस्तों सेशन अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक का बटन दबाना ना भूले दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पंडवानी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों, पंडवानी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों, तो हमारे ऑप्शन है असम, मणिपुर, मेघालय और छत्तीसगढ़। तो कहाँ का है दोस्तों, तो ये है हमारे छत्तीसगढ़ का, कहाँ पर दोस्तों, छत्तीसगढ़ का, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत में टेलीविज़न का प्रसारण पहली बार कब किया गया था दोस्तों, भारत में टेलीविज़न का प्रसारण पहली बार कब किया गया था दोस्तों, तो हमारे ऑप्शन हो जाएंगे आपके हैं 1959, 1960, 1990 और 2000 ईस्वी में। तो कब किया गया था दोस्तों, दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों, कब किया गया था दोस्तों, तो ये है हमारा 1959, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कब किया गया था दोस्तों, 1959 में दोस्तों। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जब 1959 में प्रसारण किया गया था तो ये किस जगह से किया गया था दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया ये दोस्तों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों पूछा गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो दोस्तों 28 फरवरी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 28 फरवरी दोस्तों। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई दोस्तों, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई दोस्तों, तो हमारे ऑप्शन है 1980, 1978, 1981 और 1990 में। तो कब की गई थी दोस्तों, तो ये की गई थी 1981, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1981 दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों, रंगीन टीवी में किस रंग के संयोग से रंगीन चित्र बनता है दोस्तों, तो रंगीन टीवी में किस रंग के संयोग से रंगीन चित्र बनता है दोस्तों, तो हमारे ऑप्शन है पहला नीला, हरा, लाल या सभी। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ये सभी जो है, लाल, नीला, हरा, ये सभी, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इन सभी रंगों के संयोग से हमारा रंगीन चित्र बनता है दोस्तों। अगला देख लेते हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया था दोस्तों, तो ये ऑप्शन हमारे दोस्तों 352, 356, 365 और 370। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 370, ये दोस्तों 370 पहले दिया गया था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया गया दोस्तों, अब ख़त्म कर दिया गया है दोस्तों। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आर्टिकल 352 और आर्टिकल 356 इन दोनों का मतलब क्या दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चाय के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है दोस्तों, चाय के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है दोस्तों, तो हमारे ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और चिकनी मिट्टी दोस्तों। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, लेटराइट मिट्टी, कौन सी दोस्तों, लेटराइट मिट्टी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। दोस्तों अगर पूछ ले कपास के लिए कौन सी मिट्टी है दोस्तों, कपास के लिए कौन सी मिट्टी दोस्तों, तो कपास के लिए हमारी हो जाएगी काली मिट्टी। कैसे कपास, कैसे काली मिट्टी दोस्तों, याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका दोस्तों, कैसे कपास और कैसे काली मिट्टी दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों, चीनी यात्री हेनसांग किस राजा के शासनकाल में आया था दोस्तों, जो ये चीनी यात्री हेनसांग किस राजा के शासनकाल में आया था दोस्तों, तो ये ऑप्शन है हमारे हर्षवर्धन, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य और हुमायूं। तो किसके शासनकाल में आया था दोस्तों, तो ये आए थे हमारे हर्षवर्धन, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो चीनी यात्री दोस्तों नाम से हेनसांग हर्षवर्धन, हेनसांग हर्षवर्धन, हैसे हेनसांग और हैसे हर्षवर्धन दोस्तों, इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों, विश्व की पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों, विश्व की पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों, तो ऑप्शन है बेनजीर भुट्टो, विद्या देवी भंडारी, नजमा हेपतुल्ला और सायरा बानो।
तो कौन सा दोस्तों? तो हमारे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बेनजीर भुट्टो। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बेनजीर भुट्टो दोस्तों। अगला देखते हैं, चावल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है दोस्तों? चावल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों हमारे ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और आयरन। तो क्या पाया जाएगा दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि एथलीट को तत्काल ऊर्जा के लिए क्या दिया जाता है दोस्तों? तत्काल ऊर्जा के लिए क्या दिया जाता है दोस्तों? तो ये भी हमारा है कार्बोहाइड्रेट। कौन सा दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट। एथलीट को तत्काल ऊर्जा के लिए दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? दोस्तों विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो मनाया जाता है हमारा 22 मार्च को दोस्तों, 22 मार्च को दोस्तों। दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों कभी कभी कन्फ्यूजन, अगर 22 मार्च और 22 अप्रैल दोनों दिया जाए तब आप लोग बहुत कन्फ्यूज जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि सबसे पहले पानी आया था, फिर पानी आने के बाद इस पर पृथ्वी आया था दोस्तों। पहले पानी फिर पृथ्वी, तो पहले महीना कौन सा पड़ता? पहले मार्च पड़ता, फिर अप्रैल पड़ता दोस्तों। तो पानी यानी जल दिवस 22 मार्च और मृदा दिवस तो ये हो जाएगा दोस्तों 22 अप्रैल दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो ये थे हमारे जे बी कृपलानी। कौन दोस्तों? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों, जे बी कृपलानी। दोस्तों आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन रहेगा, सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों? सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों? ये आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक दोस्तों हमें मोटिवेट करता है और हम अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाते हैं दोस्तों। जो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और जेल वार्डन फायरमैन, इन सभी के दृष्टिकोण से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।